Good morning students, this is Pradyuman Sir again in front of you and here comes with your new video on the topic of your fourth chapter, that is keyboard special keys. Okay, so basically this is your last topic of this chapter, that is combination keys. Before this video, in the previous videos you just simply learnt about that what are punctuation key, what are the special keys like space bar, delete key, arrow key, background key, caps lock key, enter key and all that. Okay, and now in this video we are just simply discussed about the last topic of this chapter, chapter number 4, and the name of the chapter is keyboard special keys. Okay, so let's get started with the first line of this last topic. That is just one thing I'm just going to forget about it. I'm going to just simply remembering you that before starting this topic, I'm just simply going to remember you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like that teaching style, then you can also press the like button so that I can get motivated over here that I'm teaching well or not. Okay students, so let's get started with the first line of combination keys. Okay, what are combination keys? So the keys which are used in combination, okay, means when you use two or three keys just together, that are called combination keys, like shift, like alternate, like control. So these are the combination keys. So a key that is used in combination with another key for doing a particular operation is called combination key. For example, shift, control and alt. तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जब हम लोग combination key का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब हम लोग कोई operation करते हैं. Operation यानी कि doctor वाला operation नहीं, यहाँ पर operation का मतलब है जब हम लोग किसी चीज़ को copy करते हैं, paste करते हैं, cut करते हैं, delete करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस पी. ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक कमांड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग अपना काम जल्दी और अच्छी तरह से कर पाते हैं. ठीक है, क्योंकि हम माउस से बार बार इस चीज़ को, जैसे अगर सपोज हमें कि आपने एक ड्राइंग बनाई और उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कीबोर्ड के ज़रिए आप इन्हीं कमांड्स को फॉलो करो. कमांड्स को फॉलो करेंगे तो आप लोग जो है जल्दी से आप अपना काम ख़त्म कर पाएंगे, और अगर आप माउस से करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका काम माउस से भी हो जाएगा. तो यहाँ पर बेसिक सा स्टेप ये है कि आप माउस की जगह कीबोर्ड का यूज़ करें. तो यहाँ पर जो बेसिक कमांड्स हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस पी, तो आप कंट्रोल प्लस पी, जैसे मतलब कंट्रोल को आपको दबाए रखना है. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब मैंने उनसे बोला कि बेटा कंट्रोल प्लस पी दबाओ, तो आपके पास सामने प्रिंट विंडो आ जाएगी. ठीक है, प्रिंट आउट विंडो जो होती है, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि आपका प्रिंट आउट जब निकल के आएगा पेज, तो उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है. तो उन्होंने क्या किया, पहले कंट्रोल दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर पी दबा दिया. उन्होंने कहा सर मेरा तो हुआ नहीं. तो ऐसा नहीं, आपको कंट्रोल को दबा के रखना है. ठीक है, कंट्रोल को आप प्रेस करके रखिए, उसको छोड़िए मत, होल्ड करिए, और इसके साथ ही कंट्रोल के साथ ही पी को भी दबाइए, लेकिन पहले कंट्रोल दबाइए फिर पी. ये नहीं कि पहले पी दबाया और बाद में कंट्रोल. ठीक है, तो इस तरह से ये होती है कॉम्बिनेशन की. तो यहाँ पर आपने देखो दो की का यूज़ किया, कंट्रोल और पी, ये दो कीज़ हैं जिनको आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया, तब जाके आपको प्रिंट आउट जो विंडो है वो पॉप अप करके आपके सामने आएगी. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स दबाएंगे. ठीक है, अगर आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबाएंगे, अगर आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबाएंगे. ठीक है, अगर आपको टाइपिंग करते समय, अगर आपको बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन करना है, मतलब आपको अपने फॉन्ट को, अगर फॉन्ट के अंदर आपको अंडरलाइन करना है, जैसे हेडिंग्स होती हैं तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, तो अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू, अगर उसको थोड़ा सा तिरछा इटैलिक मोड में लेकर आना तो कंट्रोल आई, अगर आपको उसको थोड़ा सा मोटा यानी कि
जो कहते हैं ना मार्कर से लिखते हैं, तो मार्कर से लिखा हुआ और पेंसिल से लिखा हुआ काफ़ी अंतर होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि पेंसिल से लिखते हैं तो पतली राइटिंग होती है और मार्कर से लिखते हैं तो मोटी आती है। तो अगर आपको भी बोल्ड यानी कि मोटी राइटिंग चाहिए तो वहाँ पर आप बस सिर्फ कंट्रोल प्लस डी दबा दीजिए, आपका जितना भी फॉन्ट होगा वो सारा बोल्ड हो जाएगा। यही सारी चीज़ें बताई गई। तो यहाँ पर सबसे पहले शिफ्ट की के बारे में बताया गया कि शिफ्ट की का काम क्या होता है, ठीक है। सो द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप स्पेशल सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। अब यहाँ पर शिफ्ट की का काम क्या है, शिफ्ट की से हम लोग स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं जैसे एट द रेट, ठीक है, हैशटैग, इसके अलावा डॉलर, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे मार्क्स को अगर हमें यूज़ करना है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा। तो पहले जब हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे इसके बाद ही हम इन बटन का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने जो आप जहाँ अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड में जहाँ अल्फ़ाबेट लिखा होते हैं, अल्फ़ाबेट की के ऊपर आप जस्ट ऊपर देखिए तो वहाँ पर आपको नंबर की मिल जाएंगे 1 2 3 4, वो जो सिक्वेंस में लगे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 के साथ ही उसमें कुछ सिंबल्स बने होते हैं, तो अगर आपको उन सिंबल्स को यूज़ करना है तो आपको शिफ्ट के साथ उन बटन्स को प्रेस करना पड़ेगा। जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो वो जो स्पेशल कीज़ हैं, जो स्पेशल सिंबल्स हैं, वो आपके आपके वहाँ पर आपको मॉनिटर में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि कीबोर्ड में ये ध्यान रखना, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 2 एंटर बटन होते हैं, 2 शिफ्ट बटन होते हैं, 2 कंट्रोल बटन होते हैं, 2 अल्टरनेट बटन होते हैं, 2 विंडो बटन होते हैं और 2 बार नंबर कीज़ होती हैं, यानी एक जो होती हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर होती हैं और एक अलग का न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये हर जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई ये 2-2 संख्या में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो छोटे से एग्जांपल उन्होंने बताया है क्या, होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड प्रेस द नंबर की 1, यू विल गेट द एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक दिस ऑन योर मोनिटर स्क्रीन, ठीक है। यानी कि अगर आप शिफ्ट दबा करके, मतलब शिफ्ट को दबाए रखना, होल्ड करके रखना, छोड़ना नहीं है, तो आप जैसे ही शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे उसके साथ ही आप जैसे ही 1 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप पाएंगे कि आपके मॉनिटर स्क्रीन पर जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे थे वहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू टाइप अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर व्हेन द कैप्स लॉक इज टर्न ऑफ, ठीक है। आप अगर अपनी टाइपिंग फास्ट करना चाहते हैं तो आप देखो कैप्स लॉक दबाने से क्या होता है, कैप्स लॉक से जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस में सिर्फ एक लेटर कैपिटल होता है जो कि पहला लेटर, बकाया तो सारे स्मॉल होते हैं। तो अब अगर हम सिर्फ एक लेटर को लिखने के लिए कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे तो हमारी उससे टाइपिंग स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी। तो हमारी टाइपिंग स्पीड स्लो ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो जो पहला लेटर है उसको लिखने के लिए बस करना क्या, शिफ्ट को होल्ड करके रखना और वो लेटर दबा देना है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज योर नेम, तो आपने कहा सर, तो सर का एस जो क्या होगा वो कैपिटल होगा, तो आप क्या करोगे शिफ्ट प्लस एस दबा दोगे। तो जैसे ही शिफ्ट प्लस एस दबाओगे तो एस कैसा हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। इसके बाद आप शिफ्ट हटा दो, छोड़ दो शिफ्ट को, अब आई आर लिखो तो सर हो गया, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाया इसके बाद सर माई नेम इज जो भी आपका नाम हो, ठीक है। अब आते हैं कंट्रोल की पर, तो कंट्रोल की में क्या बताया गया, दिस की इज मार्क्ड एज कंट्रोल, ठीक है, सॉरी CTRL। तो यहाँ पर अब बताने वाली बात क्या है कि कंट्रोल की जो होती है वहाँ पर आप कैसे फाइंड करोगे कि कंट्रोल की कैसी होती है, क्योंकि शिफ्ट की के ऊपर तो पूरा नाम लिखा होता है SHIFT, ठीक है, लेकिन कंट्रोल की के ऊपर थोड़ी ना पूरा नाम लिखा होता है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। तो वहाँ पर आप जब कीबोर्ड को देखोगे तो उसमें ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देगा कि CTRL लिखा होगा, ठीक है, और CTRL का मतलब होता है कंट्रोल की, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। हम इनका इस की का यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ काम कर, कुछ टास्क कर सकें, बेसिक टास्क जो होते हैं वो हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस बी दबाओगे तो बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट, कंट्रोल आई दबाओगे तो इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक मोड में आ जाएगा, कंट्रोल यू करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा टेक्स्ट के नीचे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी दबाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल की को आपको होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन, देयर आर थ्री कॉम्बिनेशन कीज, कौन सी होती हैं ध्यान से सुनो। पहली कॉम्बिनेशन की का नाम है शिफ्ट की, दूसरा कंट्रोल की, तीसरा अल्टरनेट की, ठीक है। तो ये तीनों आपकी जो है वो कॉम्बिनेशन की होती हैं जिनका आप यूज़ करते हैं, और जितनी भी आपकी तीनों कॉम्बिनेशन की हैं जब आप इनका यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप इनको प्रेस करिए, सबसे पहले नंबर पर आप इनको प्रेस करिए, इसके बाद फिर जिस टाइप की कमांड आप यूज़ करना चाहते हैं उस बटन को प्रेस करिए या उस की को प्रेस करिए, ठीक है। जैसे कंट्रोल है, हमें जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, तो सबसे पहले क्या दबाना है, सबसे पहले कंट्रोल बटन दबाना है, उसको दबाए रखना है यानी उसको होल्ड करके रखना है, होल्ड करने के बाद फिर पी जो बटन है आप अल्फ़ाबेट जो की आपका जो कीबोर्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं उसमें से पी को ढूंढिए कहाँ लिखा है, तो पी को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे ही आप पी करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट आउट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस होम का क्या है, टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कर्सर है, जो आपका ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो माउस पॉइंटर है वो आपका कहाँ टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुँच जाए, मतलब पेज के ऊपर पहुँच जाए, ठीक है। तो क्या करिए, कंट्रोल प्लस होम की दबा दीजिए, ठीक है। आप फाइंड करिएगा जो नेविगेशन एरो कीज होती हैं, जहाँ एरो कीज आप देखिए, एरो कीज यानी कि जो अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की जो होती हैं उसी के जस्ट ऊपर आप देखिए कि लगभग 6-7 कीज एक्स्ट्रा दी गई होती हैं, वहीं पर आपको होम की मिल जाएगी, वहीं पर आपको डिलीट की भी मिलेगी, वहाँ पर आपको कुछ और भी पेज अप की, पेज डाउन की, ये भी कुछ कीज़ आपको वहाँ पर ऐसी मिल जाएगी, तो वहीं पर होम की लिखी होगी तो आप कंट्रोल और होम की दबाएंगे तो क्या होगा, आपका जो कर्सर होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, एकदम टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट आपका जो आप जो भी लिखा होगा जहाँ पर भी लिखा होगा वो उसके एकदम ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल एंड की दबाया, वहीं जहाँ होम की है उसी के आसपास आपको एंड की मिल जाएगा, हो सकता है होम के जस्ट नीचे आपको मिल जाए, तो जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर पेज के बॉटम में यानी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अल्ट की, तो अल्ट की का मतलब होता है अल्टरनेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ दिया तो नहीं है, बस इसका बेसिक काम यहाँ पर ये बताया गया है टू क्लोज़ द प्रोग्राम और टू शट डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपको किसी प्रोग्राम को, कोई विंडो आपके सामने ओपन है और आप उसको बंद करना चाहते हैं, सपोज़ आपने पेंटिंग करा, पेंटिंग कर करके अब आपका जो पेंटिंग अभी ख़त्म हो गई, अब आप उसको बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, पहला माउस के ज़रिए यानी विद द हेल्प ऑफ माउस, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यानी कीबोर्ड के ज़रिए। तो माउस के ज़रिए कैसे, तो माउस के ज़रिए आप देखो आपका जो पेंट विंडो है उसके सबसे राइट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखिएगा तो वहाँ पर एक क्रॉस का साइन बना होगा, वहाँ क्रॉस के साइन पर आप जैसे क्लिक करोगे आपका पेंट विंडो जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि जो एक अच्छा कंप्यूटर यूज़र होता है वो माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड का यूज़ करता है, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड में क्या कर सकते हैं, Alt प्लस F4 दबा सकते हैं। आप Alt प्लस F4 दबाएंगे तो जैसे ही आपने ये दबाया आपका जो विंडो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा, गायब हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर कंट्रोल और Alt, अल्टरनेट और डिलीट की, ठीक है, ये तीन चीज़ें दबाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी बड़ा शॉर्टकट की बताया, मैं आपको बहुत छोटी सी की बताता हूँ। Alt प्लस F4 आपने एक बार दबाया, आपके जो पेंट विंडो थी बंद हो गई, एक बार फिर से दबा दीजिए तो क्या होगा, आपके सामने छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसमें कहीं लिखा होगा शट डाउन, बस उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एंटर बटन दबा देना और आपका जो कंप्यूटर होगा वो शट डाउन हो जाएगा। क्या करना है, Alt प्लस F4 दबाया एक बार, पेंट विंडो हट गई, गायब हो गई, इसके बाद फिर से एक बार Alt प्लस F4 दबा दो, जैसे ही दबाओगे इसके बाद कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं, Alt F4 दबा के एंटर दबा देना,
एंटर दबा और आपका जो कंप्यूटर होगा वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो आपका ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और लगभग वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करने जा रहा हूँ। लेकिन स्टॉप करने से पहले आज मैं हिंदी में ही बोलूँगा, इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जा करके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसी की जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। कई बच्चों ने ये कहा कि सर आपकी वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए सीधा सा एक सॉल्यूशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से, तो वो मैं क्लियर नहीं कर सकता, बट स्टिल आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो जैसे ही आपके पास, जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। सो के स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून विद माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।